शांति। कर्म योग को भी कर्म योग से जीना और संगठन में ही रहते थे उस समय भी, मंडली जो कि शुरू से प्रारंभ ही संगठन से हुआ, जो कार्य बाबा का प्रारंभ हुआ, और बिना संगठन के बाबा की प्रत्यक्षता हो भी नहीं सकती। कोई एक व्यक्ति बाबा को प्रत्यक्ष कर सकता है? ये संगठन की शक्ति ही है जो भगवान को प्रत्यक्ष करेगी। बाबा के तरह ही इतना ब्राह्मणों का जो छोटा सा संसार है, ये जो ईश्वरीय परिवार है, दैवी परिवार है, ये पूरे विश्व की आत्माओं में बहुत न्यारा और प्यारा है। कहेंगे न्यारा और प्यारा है क्योंकि सबसे पहले तो ज्ञान ही सबसे न्यारा है, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। तो हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं, एक ही पिता के मंत्र पर चलते हैं, एक ही श्रीमंत पर हम चलते हैं, एक ही जैसी हमारी दृष्टि मिलती है, एक ही जैसे बोल है। कोई भी ज्ञान सुनाएगा वो एक ही तरह की बातें सबको सुनाएगा, एक ही जैसे हमारे कर्म है, नियम है, दिनचर्या है, व्यवहार है। तो कई बार तो कई भाई बहन कहते हैं आप लोग सब एक जैसे लगते हो। क्यों एक जैसे लगते हैं? क्योंकि संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, ज्ञान सब उसमें हम एक मन है, एक रस है, एक के ही डायरेक्शन। जो परिवार बनाया है, जो हमारा संगठन है, ये सबसे श्रेष्ठ संगठन है, सबसे श्रेष्ठ संसार। लेकिन इस श्रेष्ठ संसार की सृष्टि में रहते हुए मेरी श्रेष्ठता में अंतर नहीं आना चाहिए, उसकी सावधानी हमें बाबा बार बार देते हैं।